गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, दिस इज चैप्टर 3 ऑफ साइंस, दैट इज सॉयल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय सॉयल? सॉयल मीन्स मिट्टी और साइंस मीन्स विज्ञान, यानी कि मिट्टी के बारे में जो हमें ज्ञान दो उसे हम सॉयल साइंस कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सॉयल किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉयल। सो गो टू द पार्क एंड डिग सम सॉयल। आप पार्क में जाएं या किसी खुले जगह पे जाएं और थोड़ा डिग, यानी कि कोड़ना। डिग मीन्स DIG, कोड़ना यानी कि मिट्टी को निकालना। तो आप जाएंगे थोड़ा सा किसी सहारे, किसी वेपन्स के सहारे आप मिट्टी निकालेंगे, एब्जॉर्ब इट केयरफुली और उसे ध्यान से देखेंगे। तो आपको क्या दिखेगा, लुक हियर, यू विल फाइंड टीनी पार्टिकल्स और सम स्मॉल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। आप देखेंगे जब मिट्टी लाएंगे ज़मीन से, पार्क से या कहीं भी खेत से, तो आपको क्या नज़र आएगा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसमें छोटे कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स यानी कि केचुआ, ऐसा चीज़ आपको नज़र आएगा जब आप मिट्टी किसी फार्म से या पार्क से लाएंगे। तो यू ऑल्सो सी द स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑफ रॉक एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जब आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, सड़े गले पेड़ और एनिमल के भी टुकड़े हो सकते हैं, इट मे बी आपको नज़र आ सकता है। एंड यू ऑल्सो ऑब्जर्व डैट देयर इज सम वाटर एंड एयर। और आप देखेंगे जो मिट्टी लाएंगे वो हल्का गीला होगा और उसमें हवा की भी मात्रा होती है। ये आप बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन यू हैव टू लर्न। अभी आपको ये समझना है कि उसमें हवा और पानी की भी मात्रा होती है। सॉयल फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आपको पता ही है कि सबसे ऊपरी जो पृथ्वी का सतह है वो क्या है, मिट्टी का है। सबसे ऊपर आपको क्या नज़र आता है, मिट्टी नज़र आता है। एंड इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ प्लांट। और ये ज़्यादातर प्लांट का और स्मॉल छोटे छोटे जानवरों का घर भी है मिट्टी। सो आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर छोटे जो जीव जंतु हैं क्या मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर केचुआ और बहुत सारे। तो आप समझ गए होंगे कि मिट्टी किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी कैसे बनता है। मिट्टी हम बना नहीं सकते, ये नेचुरली बनता है। सॉयल फॉर्मेशन कैन टेक थाउजेंड ऑफ मिलेनियम ईयर एगो। मिट्टी को बनने में हजारों हजारों साल लग जाते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द ह्यूग ब्रेकिंग ऑफ ह्यूग रॉक्स इंटू स्मॉल पीसेज ड्यू टू हीट एंड सन एंड द फोर्स ऑफ रेन एंड विंड। तो हम क्या जाने कि जब बहुत बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं तो वो छोटे टुकड़े में बनते हैं, और फिर छोटे टुकड़े फिर से टूटते हैं तो और छोटे टुकड़े में बनते हैं, फिर अगेन बार बार ब्रेक डाउन जब होता है तो धीरे धीरे ये फिर एकदम आपको सॉयल फॉर्म करता है। और ये क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि कड़ी धूप, बारिश और हवा के कारण ये जो बड़े ह्यूग रॉक हैं वो टूट के छोटे टुकड़े बनते हैं और फिर धीरे धीरे बहुत सालों के बाद ये मिट्टी बनते हैं। फर्दर ऑन हीटिंग द ग्राउंड और कोल्डिंग अगेन ईच पार्टिकल्स ईच अदर, दिस पार्टिकल ब्रेक इंटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत गर्मी के कारण और बहुत ठंड के कारण भी जब ये टूटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते हैं। ग्रेजुअली दिस स्मॉल पार्टिकल गेट मिक्सड विद द रिमेन ऑफ प्लांट एंड डेड एनिमल टू फॉर्म सॉयल। और ये जो चट्टान छोटे टुकड़े में, जब बड़े टुकड़े फिर छोटे टुकड़े में हुए, फिर उनसे दोबारा टूट के और छोटे टुकड़े में हुए, और धीरे धीरे ये आपको सॉयल लाइक हुए, और इसमें बहुत से और एनिमल जब वो डेथ कर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। आप देखे होंगे जब जानवर मरते हैं तो उसे ज़मीन में हम गाड़ देते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं और ये क्या बनता है, फिर सॉयल बनता है। सो इट इज़ वेरी प्रीशियस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, अनमोल है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप इसे बना नहीं सकते हैं, ये नेचुरली बहुत हजारों साल के बाद बनता है। सो देन कॉम्पोजिशन ऑफ सॉयल, मिट्टी क्या चीज़ से बना हुआ है। सॉयल इज कंप्रेस्ड ऑफ रॉक पार्टिकल्स, स्टोन, सेंड एंड क्ले। ये
आपको पत्थर का पार्ट है छोटे छोटे, ये बड़े पत्थर का पार्ट है, छोटे पत्थर का पार्ट है, फिर बालू का भी पार्ट है और क्ले मिट्टी से सब मिल के बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कंटेन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड ह्यूमस, और इनमें मरे हुए जानवर और सड़े गले पौधे का भी पार्ट है जिसे ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट, ह्यूमस क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषक तत्व देता है प्लांट को। होल्ड वाटर एंड मेक द सॉइल फर्टाइल, और ये क्या करता है, पानी को बांधे रखता है यानी पकड़ के रखता है, और मेक द सॉइल फर्टाइल, और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, देन लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी का लेयर देखिए आप, सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर का बना हुआ है। दिस लेयर आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजोन, ये लेयर को हम हॉरिजोन्स कहते हैं। द लेबलिंग डायग्राम बिलो टेल अस अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉरिजोन ऑफ सॉइल, ये देखिए लेवल किया हुआ है कि कौन से लेवल को क्या कहते हैं। फर्स्ट द ओ हॉरिजोन ऑफ ऑर्गेनिक लेयर ऑफ और द ह्यूमस लेयर, ओ जो दिख रहा है आपको उसे हम ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं और ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं। अ लेयर ऑफ प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स एंड ट्विंग्स, सो इट इज़ नोन एज ओ, इसको हम ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। सेकेंड ए, लुक हियर, टॉप सॉइल और ए हॉरिजोन अ थिन लेयर ऑफ कंपोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स विच प्लांट ग्रो एंड ऑर्गेनिज्म लिव, सो इट इज़ नोन एज ए, इसको बोलते हैं थिन लेयर ऑफ कंपोस्ट बाई ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स। लुक हियर, इसको ए से दिखाया गया है, वेयर प्लांट ग्रो एंड ऑर्गेनिज्म लिव, यहाँ प्लांट ग्रो करते हैं और ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देन बी सब सॉइल और द बी हॉरिजोन, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरली ऑफ क्ले आयरन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, सो इट इज नोन एज बी हॉरिजोन। एंड सी पेरेंट्स मटेरियल लेयर और द सी हॉरिजोन, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ लार्ज रॉक्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट्स मटेरियल बिकॉज द अपर लेयर डेवलप फ्रॉम दिस लेयर, इसे पेरेंट्स मटेरियल लेयर भी कहते हैं और सी हॉरिजोन भी कहते हैं, क्योंकि ये लार्ज रॉक मेड अप ऑफ लार्ज रॉक, ये बड़े बड़े चट्टानों का बना हुआ है। लुक हियर, देखिए इसे बोलते हैं सी हॉरिजोन, लुक हियर दिस इज सी हॉरिजोन, बिकॉज ये अपर लेयर को डेवलप करने में मदद करता है और इन्हीं से अपर लेयर डेवलप होते हैं, इसीलिए इनका नाम पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं। एंड लास्टली आर बेड रॉक और द बॉटम लेयर ऑफ आर हॉरिजोन, इट इज़ मेड ऑफ ऑफ लार्ज सॉइल मास ऑफ रॉक, ये लार्ज सॉइल और मास ऑफ रॉक के बने होते हैं, इसे हम बेड रॉक्स भी कहते हैं और आर हॉरिजोन भी कहते हैं। सो देखिए आप, सबसे पहले ओ, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर आर। ओ को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक लेयर एंड ह्यूमस लेयर बोलते हैं। ए को क्या बोले, ए को ए हॉरिजोन यानी थिक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, बी को कहते हैं बी हॉरिजोन और सब सॉइल हॉरिजोन या मेड बना होता है क्ले आयरन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, और सी को पेरेंटल मटेरियल्स, और ये क्या चीज़ का बना होता है, ये आपको लार्ज रॉक्स का बना होता है, और बेड लास्ट में आर यानी कि बेड रॉक्स। ये डायग्राम को आपको याद भी करना है और अच्छे से समझना भी है कि ये लेयर ऑफ सॉइल। नाउ आई फिनिश दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू नेक्स्ट ऑल रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय, गुड डे।